चलो दो मिनट में अभी बनाते प्रोटीन कैल्शियम से भरिया दी थोड़ी सब्जी थोड़ा प्यार झट से हो जाए तैयार जी हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना ये मैगी ही है और ये है मेरी वाली मैगी जिस तरह से मुझे मैगी खाना पसंद है तो चलिए आपको भी बताती हूँ कि मैं मैगी कैसे बनाती हूँ तो थोड़ा सा मैं तेल लेती हूँ जैसे एक पैकेट बनाना तो एक चम्मच तेल तो मैं दो पैकेट बना रही हूँ तो मैंने दो चम्मच तेल लिया है इसमें मैंने बटर भी डाला है अगेन एक पैकेट के लिए एक चम्मच बटर का तो बटर से पहले तेल डालना जरूरी है वरना बटर अगर आप पहले डालेंगे तो वो जल जाता है तो जब तेल और बटर पिघल जाए तो आप इसमें डालिए थोड़ा सा टमाटर चॉप करके मैंने इसमें करीबन दो बड़े टमाटर चॉप करके डाले हैं बहुत थोड़ा सा अदरक भी डाला है इसके अंदर मुझे सब्जियां थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है मैगी में आप चाहे तो उसको अच्छे से पका भी सकते हैं लहसुन अदरक डालिए चाहे प्याज डालिए हरी मिर्ची डालिए अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी शिमला मिर्च और ये भी मैं थोड़े इसे क्यूब्स में काट के डालती हूँ इसको भी मैं बहुत देर नहीं चलाऊंगी क्योंकि जैसे कि मैंने बोला थोड़ी सब्जियाँ क्रंची रहें उसमें थोड़ा बाइट रहे तो स्वाद लगती है ये मैंने इसमें दो पैकेट मैगी मसाला डाला है और इसके साथ में आधा पैकेट अलग से मैगी मसाला जो मिलता है वो भी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसमें सब्जियाँ काफ़ी सारी हैं और जब आप इसको मैगी को सब्जियों के साथ पकाएंगे तो मसाला कम हो सकता है तो दो पैकेट मैगी डाले मैंने और एक पैकेट के लिए एक बड़ा कप मैंने पानी डाला है क्योंकि मैं इसको सूपी बनाने वाली हूँ थोड़ी इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है अगर आपको इसको ड्राई रखना है तो आप इसमें पानी थोड़ा कम डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको तोड़ लीजिए आप इसमें कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं आप इसमें चाहे तो मटर डालिए गाजर डालिए बीन्स डालिए एग डालिए चिकन डालिए या फिर अगर आप चाहो तो कई लोग पनीर के साथ भी इसको बनाते हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ कीजिए और जैसा आपका टेस्ट मैगी के लिए है आपको जो अच्छा लगता है वो आप इसमें डालिए जो ही इसको उबाला जाता है तो इसको एक बारी अच्छे से चला लीजिए ताकि अगर मैगी के कुछ जो पोर्शन है वो इकट्ठे जुड़े हुए वो अलग अलग हो जाएँ मैगी जैसे चावल हम बनाते हैं तो चावल में हल्का सा पानी रहने देते हैं और उसको ढक के पका देते हैं फिर बंद कर देते हैं तो पानी अपने आप चावल जो है वो सोख लेते हैं इसी तरह ये मैगी भी थोड़ा सा पानी रहता है तो ये पानी को सोख लेती है तो अब मैंने इसमें थोड़ा हरा धनिया डाला है मैंने एक बार कसूरी मेथी के साथ भी ट्राई किया था तो इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आया था तो अब ये हरा धनिया डाले और मैं इसमें थोड़ा पानी रहने दिया जैसे मैं इसको तब बंद कर दिया इसको क्योंकि मुझे ये थोड़ी सूपी बनानी थी आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ड्राई खानी है तो कम कर लीजिए तो लीजिए आपकी और मेरी और हम सभी की चहेती स्वादिष्ट मैगी तैयार है बाय